कोरोना के प्रचंड रूप से शहर शहर घर घर डर का माहौल है। हर जगह बस यही सुनने को मिलता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है या बेड नहीं है। शमशान घाट की तस्वीरें लोगों को घर से ना निकलने पर मजबूर कर रही हैं। कुछ लोग कोरोना के शिकार होते ही अपनी हिम्मत खो देते हैं और बस ये सोचते हैं कि जिंदगी अब खत्म है। कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, उसी तरह हम अगर नकारात्मक सोचेंगे तो वो नकारात्मक ही होगा। ऐसे ही अगर किसी ने मन में ठान लिया कि वह कोरोना से जंग जीत जाएगा और अब सब सकारात्मक ही होगा तो वैसा जरूर होता है। ऐसी ही सोच हमें हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल देती है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक दादी जी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दादी जी मास्क पहने हुए हैं और गुजराती गाने पर गरबा कर रही हैं। ये वीडियो आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा द्वारा शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा गया, मुझे लग रहा है कि दादी जी रंग दे बसंती फिल्म के गाने अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला पर नाच रही हैं। उनकी हिम्मत अविश्वसनीय है, हम सभी को इसकी जरूरत है। हम पॉजिटिव तो कोरोना नेगेटिव। आपको बता दें कि दादी जी 95 साल की हैं, लेकिन उनकी ये हिम्मत युवाओं से भी बढ़कर है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मास्क पहनने का दादी जी पर कोई असर नहीं हो रहा है और वह बस गुजराती गाने पर गरबा कर रही हैं, बेफिक्र कि उन्हें कोरोना है, गाने का पूरा मजे लेते हुए वह गरबा कर रही हैं। दादी जी की यह हिम्मत काबिले तारीफ है और दादी जी की ये मुस्कुराहट कोरोना को हराने के लिए मजबूर कर रही है। आपको बता दें कि इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसे 1000 से ज़्यादा बार देख चुके हैं। ऐसे में ये हमेशा याद रखिए कि जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जिए कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।